हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 5 भी खत्म कर दिया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आज मैं स्टार्ट करने वाला एक्सरसाइज 5C। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 5C का सम नंबर 1 सॉल्व करना। तो दिया है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3 इज इक्वल टू। सो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला नोट करवाना चाहूंगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। ठीक है, यहाँ पे N 12 है, 12 है, 12 12 यहाँ N ले लेंगे, R 4 ये माइनस 1 नहीं है, ये प्लस है, R 4 एंड ये 3 मतलब 4 माइनस 1 3। सो हमारा वैल्यू क्या आएगा, n प्लस 1 सी 3। सो 12C4 प्लस 12C3 क्या होगा, 12C4 प्लस 12C3 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13, सी 4 रहेगा, 4 माइनस 1 3 था तो 4 आ रहे, 4 13C4 आंसर आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 एंड कैंसिल। सो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 4 2 5। सो इसका आंसर है 715। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए 715। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है NPR इज इक्वल टू 336, NCR इज इक्वल टू 56, देन NNR विल बी। सो इसमें ऑप्शंस में डाल के देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 32 मतलब N3R2। सो NPR मैं लिखता हूँ 3P2, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6। तो वो ये तो है ही नहीं, ऑप्शन ए तो है ही नहीं। ऑप्शन बी पे आते हैं, N इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू 3, सो 8P3 देखते क्या आता है, 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल by 5 factorial। So 8 into 7 into 6 336 आ रहा है। अगर एक सही है तो दूसरे में भी देख लेते हैं, 8C3 कितना होता है, 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial, this is equal to 8 into 7 into 6 by into 5 factorial, 5 factorial into 3 into 2, 3 2 6 5 5, so 8 7s are 56। सो ऑप्शन बी आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, 83। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए, तो आपको मैं यहां एक और चीज दिखा देता हूं फॉर्मूला, कि इफ NCX, मैं अज्यूम करके बता रहा हूं ये वैल्यूज, इज इक्वल टू NCY देन x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये याद रखिएगा, NCX इज इक्वल टू NCY, इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो यहां पे क्या होगा, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 मतलब R प्लस R प्लस 2 इज इक्वल टू n, क्या है यहां पे 18। तो इसको सॉल्व करते, 2R इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16, R इज इक्वल टू 16 बाई 2 8, R का वैल्यू निकल गया 8, बहुत इजी था ना। अब इसमें बोला है RC5 का वैल्यू निकालने, सो 8C5 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 56। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी 56। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ
एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 56, एन सी आर इज इक्वल टू 28, एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 8, देन आर इज इक्वल टू, तो हमें आर का वैल्यू निकालना है। सो गाइज, इस सब में मैं आपको पास्कल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा। सो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है 1, और उसकी यहाँ 1 और 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ वापस 1 आएगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, एंड फिर 1 आएगा। सो इसको हम करते जाएंगे, ये हो गया 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 4 1 5 10 10 5 1 6 15 20 15 6 1 7 21 35 35 21 7 1 फिर 1, ये 8 हो गया, 28, ये हो जाएगा 56, 70, 56, 28, 8 एंड 1। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों का सीरीज आ गया है, 56, 28 एंड 8। सो अब आप यहाँ देखिए, जो फर्स्ट वैल्यू है वो था एन इक्वल्स टू 0 का, ये वाला है n इक्वल टू 1, अगला n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8। सो हमें यहाँ पे n का वैल्यू मिल गया, n 8 है। अभी जो 1 है ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 4, ये 5, ये 6, 7 एंड 8, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है r इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 7, r इक्वल टू 8 है, ठीक है। सो मैं r की वैल्यू 1 नहीं 6 ले लेता हूँ, 6 लिया तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 8c5, 8c5 क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6, और 5 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एंड 8 माइनस 5 3, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3 इंटू 2 56। सो आप देख सकते हो 8c5 r5 5 में 56। ऐसे ही अगर मैं प्लस 1 कर दूं, 6 प्लस 1 मतलब 7, r इक्वल टू 7, तो उसमें वैल्यू जो है वो 8 आएगा, और जब 6 लू तो उसमें वैल्यू 28 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको टोटल 6 अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे इसके। सो इसमें r की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, टोटल 6 वैल्यूज हो जाएंगे, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी जो है 6। सो अगर आपको इस सब में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर इज। सो इस क्वेश्चन का मतलब है 8 में से एक को भी इनवाइट करे या उससे ज्यादा भी, तो क्या हो सकता है, एक को करे, दो को भी कर सकता है, तीन को भी कर सकता है, चार को भी कर सकता है, पांच को भी कर सकता है, छह को भी कर सकता है, सात को भी कर सकता है, और 8 में से 8ों को भी कर सकता है। तो ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में, तो इसका एक फॉर्मूला है 2 to the power n-1। सो ये हो जाएगा 2 to the power n का वैल्यू है 8 minus 1। सो ये हो जाएगा 256 minus 1 विच इज इक्वल टू 255। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 255 जो है ऑप्शन बी। सो अब आप यहां देख सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे है, मैं एक और बार बता देता हूं आपको, यहां पे देख लीजिए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टू एन सी एन अगर जाए, ये होता है 2 power n, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये। लेकिन यहां में NC0 का वैल्यू नहीं दिया है, तो ये जो NC0 है इसका वैल्यू तो 1 होता है, सो ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा, तो -1 हो जाएगा, 2 to the power n-1, और स्टार्ट होगा NC1 प्लस NC2 से लेके NCN तक। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 2 to the power n-1 का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, उससे 255 जो है ऑप्शन बी। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं आप। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सम नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज 5C। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।